हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को कांवरिया पथ पर एक बार फिर से स्वागत है नए एपिसोड में। आज जो है पूरा टंकेश्वर को दिखाएंगे। पिछली वीडियो में टंकेश्वर से पहले का ही दिखाए थे और देख रहे हैं यहाँ से टंकेश्वर शुरू हो जाता है। उससे पहले जो है टंकेश्वर में जो सहयोग मिला था हनुमान मंदिर के लिए वहाँ पर देना है। देखते हैं बाबा मिलते हैं या नहीं, और इसके बाद फिर जो है टंकेश्वर में आगे बढ़ेंगे और हनुमान मंदिर में देखते हैं। लग रहा है बाबा ने पूजा पाठ लग रहा है हो चुका है क्या। ये रहा टंकेश्वर का स्टार्ट यहाँ कांवरिया पर, और रोड लगा हुआ है, लग रहा है कि पूजा पाठ हो गया है। थोड़ा सा रुकते हैं और लग रहा है कि बाबा का यहाँ पर देख रहे हैं ताला लगा हुआ है। पूजा पाठ करके चले गए हैं, थोड़ा सा खोजते हैं बाबा, अगर मिल जाते हैं तो जानकारी लेना पड़ेगा। यहाँ पे आगे चलते हैं तो पता करने के बाद पता चल ही जाएगा, बाबा से जानकारी ले ही लेते हैं कहाँ पर है। देख पा रहे दोस्तों, हम बाबा को काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, यहाँ के जो सेवक हैं वो नहीं मिले। अब हमें लगता है ना कि जो पैसे मिले हैं सहयोग के लिए उसको मैं यहीं मंदिर के अंदर रख दूंगा, क्योंकि दोस्तों वो दान वाले पैसे हम रख नहीं सकते, इसलिए जो है यहाँ पर ही रख दूंगा। क्या करूँ, बहुत मैंने खोजा चारों तरफ, यहाँ के आसपास में मैंने देखा, कहीं नहीं मिला। तो चलते हैं देखते हैं, अब वही करना पड़ेगा और रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे हाथ में है 106 रुपये। 106 रुपये क्यों, क्योंकि दोस्तों एक ऑनलाइन आया था 51 रुपये का सहयोग आलोक कुशवाहा की जी के तरफ से, और दूसरा मेरे हाथ में दिया था नगद मेरे दोस्त ने, कुलदीप कुमार ने। उन्होंने कहा था किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर देना है, तो फिर मेरे पास चेंज तो सही से था नहीं 102 रुपये का, तो टोटल 106 रुपये हुआ, हमने दे दिया यहाँ पर इकट्ठा करके, और इसी के अंदर जो है रखना है। तो दोस्तों आप जो है अंदर जा नहीं सकते, ताला लगा हुआ है, तो हाथ को अंदर में डाल के रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, देख रहे हैं पूरा जो है हनुमान मंदिर ये टंकेश्वर वाला है, और इसी जगह देना है। देख रहे हैं बहुत ही मुश्किल होगा लग रहा है, हाथ भी सही से नहीं जा पा रहा है, तो इस जगह पर अगर देख रहे हैं दोस्तों रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर रखते हैं तो जो है हवा काफ़ी तेज़ है, तो इधर से उधर बिखर भी सकता है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखने का प्रयास करते हैं दूसरे साइड में। फिर इसको एक छोटा सा पत्थर लेकर के इसको दबा देंगे, तब ऐसा होगा कि जो है हवा काफ़ी तेज़ है तो इधर से उधर बिखरेगा नहीं। तो हमने ऊपर रख दिया, देख रहे हैं बहुत मुश्किल से, और हाथ भी निकालना पड़ रहा है क्योंकि छोटा सा जगह हो रहा है। और यहाँ पर देखें हमने रख दिया, ऊपर एक पत्थर भी रख दिए हैं, और इससे ये है ना बिल्कुल सेफ़ हो जा रहा है, बिल्कुल सेफ्टी हो जाएगा कि जो है बाहर इधर उधर बिखरेगा नहीं। तो दोस्तों देखा हमने जो है जो भी सहयोग मिलता है वो रख देते हैं। दोस्तों मंदिर के नाम पे जो सहयोग हो उसको मैं अपने पास रख नहीं सकता, इसलिए देख रहे हैं हनुमान मंदिर यहाँ पर पूजा पाठ हो गया है, और यहाँ पर हमने जो है आप सभी का सहयोग यहाँ पर पहुँचा देते हैं। और बहुत ही अच्छा सौभाग्य की बात है कि हमें भी जो है इस प्रकार जो है पुण्य का काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और ये मंदिर है और इसी को बनाया जा रहा है। यहाँ के सेवक जो है पूजा करके चले गए हैं। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, टंकेश्वर से।